हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और टू फाइल प्रोग्राम की जिसमें हम फिबोनाची सीरीज को जनरेट करते हैं। तो देखिए, इस प्रोग्राम को ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बना चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी प्रोग्राम को दोबारा बनाते हैं यूजिंग टू फाइल्स। ठीक है, तो सिंपली हम आज ये लिख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है टू फाइल प्रोग्राम। एम्प्लॉइंग स्टैटिक एक्सटर्नल वेरिएबल्स, एम्प्लॉइंग स्टैटिक एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें हम फिबोनाची सीरीज क्या होती है, कैसे जनरेट की जाती है, ये सब तो चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी प्रोग्राम को टू फाइल्स में बनाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं कि पहली फाइल में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फाइल में हम मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए, हमने सबसे पहले लाइन लिखा कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट सक्सेसिव फिबोनाची नंबर्स, में लिखा प्रोग्राम टू कैलकुलेट सक्सेसिव फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर क्या होते हैं, ये आप जानते हैं कि जब भी कोई नंबर अपने से पहले दो प्रीवियस नंबर का सम होता है, दैट इज कॉल्ड फिबोनाची नंबर। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया। तो हमने लिखा इंक्लूड stdio.h, सबसे पहले हम ये हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे। तो हमने लिखा एक्सटर्न डाटा टाइप, लिखा फंक्शन का लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, और फंक्शन का नाम रखा हमने, मान लीजिए फिबोनाची। ठीक है, और इसका आर्गुमेंट हो गया इंटीजर काउंट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने कमेंट लाइन में लिख दिया एक्सटर्नल फंक्शन प्रोटोटाइप। ये हो गया एक्सटर्नल फंक्शन प्रोटोटाइप। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मेन फंक्शन लेंगे। ये हमने इसकी बॉडी स्टार्ट की। अब हमने लिखा इंटीजर काउंट कॉमा एन। ठीक है, फिर हमने पूछा कितने नंबर हमें निकालने हैं। तो प्रिंट एफ हाउ मेनी फिबोनाची नंबर, हाउ मेनी फिबोनेसी नंबर्स। ठीक है, या ये इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, यहाँ कोट्स क्लोज बंद। इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, हमने कहा स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट एन, परसेंटेज डी एम परसेंट एन। तो कितने नंबर हमें जनरेट करने हैं वो हमने यहाँ पे इनपुट कर दिए। अब उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमने कहा प्रिंट एफ स्लैश एन। ठीक, फिर हमने यहाँ पे फॉर का लूप चलाया कि फॉर काउंट इज इक्वल टू वन, काउंट इज लेस देन इक्वल टू एन, वन से एन तक, और हम लूप चलाएंगे प्लस प्लस काउंट। ठीक, और फॉर में हमने स्टेटमेंट क्या दिया, हमने लिखा प्रिंट एफ स्लैश एन आई इक्वल टू, फिर हमने यहाँ लिखा परसेंटेज टू डी, फिर हमने लिखा फिबोनाची नंबर एफ इक्वल टू, इसके लिए लिख दिया परसेंटेज एल डी, और यहाँ लिखा हमने काउंट, ये आई में आई जाएगी इसकी वैल्यू, और यहाँ हमने फिबोनाची फंक्शन कॉल कर लिया।
जो फंक्शन प्रोटोटाइप ऊपर डिक्लेयर किया था हमने, उस फंक्शन को हमने कॉल किया किसके लिए, काउंट के लिए। ठीक है, ये आपका फॉर स्टेटमेंट पूरा हो गया। यहाँ पे हम ये मेन की बॉडी बंद कर देंगे। तो पहली फाइल में तो ये फंक्शन हमने स्टोर कर दिया। अब दूसरी फाइल में क्या होगा, सेकंड फाइल में, तो अभी यहाँ हम लिखते हैं सेकंड फाइल, सेकंड फाइल, इसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, इसके अंदर हम दूसरा वाला फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा, मान लीजिए कमेंट लाइन में, कैलकुलेट ए फिबोनेसी नंबर, कैलकुलेट ए फिबोनेसी नंबर। यहाँ पे हमने लिखा एफ इक्वल टू वन फॉर आईज लेस देन थ्री, एफ इक्वल टू वन फॉर आईज लेस देन थ्री एंड एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू फॉर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। ठीक है, ये हमने कमेंट लाइन में समझाने के लिए लिख दिया कि अगर आई की वैल्यू 3 से छोटी है, मतलब 1 है या 2 है, तो एफ में वो डाल दीजिए 1, और आई इक्वल टू 2 के लिए भी एफ में 1, और आई इक्वल टू 3 या उससे बड़ी है तो पहले के दो नंबर को जोड़िए और उसको एफ बना दीजिए। ठीक, अब इसके बाद एक्सटर्नल वेरिएबल को हम यहाँ डिफाइन करेंगे। तो हमने कहा कि स्टैटिक लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, यहाँ लिखा हमने एफ वन इक्वल टू 1 और एफ टू इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा स्टैटिक एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन, एक्सटर्नल वेरिएबल डेफिनेशन। ठीक है, ये हमने एक्सटर्नल वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिए स्टैटिक। अब यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे, जो फंक्शन प्रोटोटाइप हम डिक्लेयर कर चुके हैं पहली फाइल में। तो हमने लिखा लॉन्ग इंटीजर, फंक्शन कौन सा था, फिबोनेसी और इंटीजर काउंट, ये हमने फंक्शन लिखा। अब इस फंक्शन की बॉडी में क्या होगा, यहाँ हमने लिखा लॉन्ग इंटीजर एफ, लॉन्ग इंटीजर एफ, एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ इक्वल टू होगा काउंट इज लेस देन 3, हम चेक करेंगे काउंट इज लेस देन 3, ये हमने चेक किया। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहा है ये, अगर ये ट्रू होगा तो एफ में आई चला जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो एफ में एफ वन प्लस एफ टू चला जाएगा। ठीक, और एक बार ये नंबर भेजने के बाद फिर हम एफ वन को एफ टू बना देंगे और एफ को एफ वन बना देंगे। ठीक है, और ये तब तक होगा जब तक कि आपका आई की वैल्यू एन या एन से छोटी है, फिर हम इसको रिटर्न एफ, एफ को रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से इन दोनों फाइलों में मेन फंक्शन और फिबोनेसी फंक्शन स्टोर कर देंगे। अब इसमें देखिए क्या होगा कि इन दिस प्रोग्राम द फंक्शन फिबोनेसी इज डिफाइंड इन द सेकेंड फाइल एंड डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट फाइल सो दैट इट्स स्कोप इज द एंटायर प्रोग्राम। अब इसमें ये जो फिबोनेसी फंक्शन है इसको हमने डिफाइन किया है सेकेंड फाइल में और इसको डिक्लेयर किया है फर्स्ट फाइल में, तो इसका स्कोप फाइल वन और फाइल टू दोनों फाइल्स में होगा, मतलब एंटायर प्रोग्राम में होगा। ऑन द अदर हैंड द वेरिएबल एफ वन एंड एफ टू, ये वेरिएबल जो है ये कहाँ पे, दीज स्टैटिक एक्सटर्नल वेरिएबल आर डिफाइंड इन द सेकेंड फाइल, तो इनका जो स्कोप होगा वो केवल सेकेंड फाइल के अंदर होगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए कि जो वेरिएबल डेफिनेशन है सेकेंड फाइल में उसमें ही डिफाइन करने के साथ ही साथ हमने असाइनमेंट ऑफ इनिशियल वैल्यूज भी कर दिया है। तो
अभी जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो सेम ऐसा ही आउटपुट मिलेगा जो हमने प्रीवियस वीडियोस में फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम जो बनाया हुआ है उसमें जैसे आउटपुट मिल रहा है, वैसे ही इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वही आप आउटपुट आपको इसमें भी मिलेगा। ठीक है, एकदम सेम आउटपुट मिलेगा। तो ये मल्टीफाइल प्रोग्राम फिबोनाची सीरीज को जनरेट करने का आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।